दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज इतनी गर्मी है भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर है और हम आ रखे हैं डिफेंडर के सामने और ये ब्लैक कलर है आपके सामने, तो हम इसका रिव्यू करते हैं और हम आपको बताते हैं गाड़ी कैसी है। आपके सामने डिफेंडर देख सकते हो भाई, कितनी बड़ी गाड़ी है और यहाँ पे डिफेंडर लिखा हुआ है और लैंड रोवर की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे। और ये मैं आपको साइड प्रोफाइल लुक दिखाता हूँ एक बार। ये है भाई साइड प्रोफाइल लुक इसकी, काफ़ी अच्छे एलॉय देखने को मिल जाते हैं सिंगल टोन में हमें। और यहाँ पे हमें साइड प्रोफाइल लुक में मिरर देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर है, कैमरा है। अभी हम चलते हैं, पहले मैं आपको बाहर बाहर से दिखा देता हूँ पूरी, फिर मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलूँगा, ठीक है। तो ये है इसकी बाहर से लुक भाई, देख सकते हो कितनी हैवी और कितनी बड़ी है भाई। और पीछे डिफेंडर लिखा हुआ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी लाइटिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर हमें। और यहाँ पर ये इंडिकेटर वाली लाइट है, ये अलग से देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अब मैं आपको एक बार पूरा प्रॉपर पीछे से दिखाना चाहता हूँ। तो भाई ये है, ये डिफेंडर लिखा हुआ है यहाँ पे, पीछे स्पेयर टायर मिल जाता है और पीछे हमें यहाँ पे भी डिफेंडर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, लाइटें। और ये है साइड प्रोफाइल, बहुत ही बड़ी गाड़ी है भाई ये। और इसमें देख सकते हो ये ना सीढ़ी का भी ऑप्शन है, इसको आप खोल के अपने ऊपर की तरफ चढ़ सकते हो अगर आपको जाना हो। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टोरेज के लिए स्पेस देखने को मिल जाती है, यहाँ आप अपना सामान वगैरह भी रख सकते हो गाड़ी के अंदर की तरफ। तो भाई यहाँ पे हमें सारे के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, साउंड सिस्टम बहुत प्यारा है भाई इसका ये, और ये ऑटोमेटिक वेरियंट है। हम चलते हैं गाड़ी के अंदर सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिटिंग देखने को मिल जाती है। ये है इसका फ्रंट डैशबोर्ड, इतना बड़ा टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें टेम्परेचर कूलिंग वगैरह, और ये डिफेंडर का, और ये गेट है इसका। अभी हम इसको बंद करते हैं एक बार, ये देखते हो ये इसकी शीशा मिरर। और यहाँ पे हमें सारे के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और ये इसका स्मार्ट डिस्प्ले है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे बीच में डिजिटल का पार्ट देखने को मिल जाता है और साइड में हमें नॉर्मल स्विच भी देखने को मिल जाती है भाई। और ये इसका गियर है, ऑटोमेटिक वेरियंट है। और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। यहाँ पे भी डिफेंडर की ब्रांडिंग की गई है भाई। और यहाँ पे USB सी टाइप केबल, मतलब USB नॉर्मल वाली, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर लगा सकते हो आप। और यहाँ पे हमें ये वायरलेस चार्जिंग का स्पेस, और यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है, ग्लव बॉक्स, जहाँ आप अपना काफ़ी सामान वगैरह रख सकते हो। और यहाँ से आप सनरूफ भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और ये है ऑटो डिमिंग, जैसे दिन है तो दिन में ये आपको प्रॉपर दिखाएगा, अगर जैसे रात हो गई तो ये पीछे की लाइट को ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। ये काफ़ी अच्छा है डैशबोर्ड। अभी मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ एक बार भाई। अभी हम चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो इसको। और ये इसका फुटरेस्ट है, तो भाई जैसे ही आप खोलोगे वैसे ही ये बाहर आ जाता है ऑटोमेटिक। अभी मैं आपको गाड़ी के ना पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, तो भाई ये अनलॉक करना पीछे वाली। भाई अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं एक बार, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो ये है भाई बैग, और यहाँ पे फुटरेस्ट ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। और ये देख सकते हो एकदम भाई अभी नहीं है और अभी भी काम हुआ है इसमें। ये पीछे की तरफ आ रखते हैं, गेट बंद कर लेते हैं एक बार भाई हम। और ये है इसका पीछे से इंटीरियर भाई, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे AC वेंट भी मिल जाते हैं। स्पेस बहुत अच्छा है भाई डिफेंडर में। और यहाँ पे हमें पीछे लाइटिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पे ये। और भाई हेडरेस्ट मिल जाते हैं तीन, और यहाँ पे कप होल्डर भी देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको सबसे पीछे की तरफ लेके चलता हूँ एक बार मैं आपको सबसे पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। ये तो था इसका मिडल, और बस अब मैं आपको पीछे की तरफ दिखा देता हूँ एक बार। ये है इसका बैक डोर, बहुत अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है। 5 लोग बैठ जाते हैं भाई, फिर भी हमें इतनी अच्छी स्पेस मिल जाती है, देख सकते हो आप लोग पीछे। और आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, और स्पेयर टायर इसके अंदर मिल जाता है हमें यहाँ पे भी डिफेंडर की ब्रांडिंग की गई है। टूल किट इसके अंदर है, और ये यहाँ पे सामान मिल जाता है, देख सकते हो भाई ने हमें खोल के दिखाया। बंद कर दो आप एक बार आसानी से पूरा, और इसको हम अभी बंद करते हैं। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस की जगह मिल जाती है, और यहाँ से आप बंद कर सकते हो। पीछे हमें डिफॉगर लाइन मिल जाती है और इसको आप ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हो। तो ये है इसकी साइड प्रोफाइल लुक पूरी,
ऑल ओवर भाई गाड़ी बहुत बढ़िया ब्लैक कलर में और अच्छी लग रही है प्रॉपर। आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये साइड प्रोफाइल लुक एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं पूरी। डिफेंडर में भाई कई सारे वेरिएंट आते हैं, ऑटोमेटिक भी आता है, मैनुअल भी आता है, और ऑटोमेटिक पेट्रोल आता है, डीजल आता है, और भी कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। जौन सा आप पसंद करना चाहो कर सकते हो। 1 करोड़ से शुरुआत होकर 3 करोड़ तक अलग अलग वेरिएंट चले जाते हैं आपके लिए। आपको कौन सी पसंद है डिफेंडर, पेट्रोल में या फिर डीजल में, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। और देख सकते हो ऊपर गाड़ी लग चुकी है अभी। और अभी तक आपको गाड़ी कैसी लगी हमें एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देख सकते हो आप लोग भाई DRLs काफ़ी अच्छे हैं, और इसकी जो लाइटें हैं एक अलग शेप में दे दी गई हैं। तो आपको गाड़ी की लुक कैसी लगी, फ्रंट से ज़्यादा अच्छी लगी या फिर बैक से ज़्यादा अच्छी लगी, हमें एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो भाई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो। और भाई आपके भाई का एक और चैनल है ब्लॉग चैनल बॉबी यादव व्लॉग्स करके, उस पर मैं नए नए डेली रूटीन की वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।